किसाना गांव में सभी लोग किसान हैं और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई फसलें उगाता है, कोई सब्जियां, तो कोई किसान फल उगाता है। भाई, इस बार भी हमारे किसाना गांव पर ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है, इसी वजह से मेरी फसलें खुशी से लहरा रही हैं। हाँ, इस बार पेड़ भी फलों से लदे हुए हैं। लगता है अच्छा मुनाफा होने वाला है। मेरा छोटा भाई भीमा सब्जियां उगाता है। वो बता रहा था कि इस बार सब्जियों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम लोग खुद ही बाजार में ले जाकर अपनी फसलें बेचेंगे। पर हमारी इतनी जान पहचान कहाँ है कि कोई भी दुकानदार सीधे हमसे खरीदारी करे। हाँ, और इसी बात का वो बनिया फायदा उठाता है और हमसे कम दाम में अनाज और फल सब्जियां खरीदता है। भैरव और काली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बनिया वहाँ पर आ जाता है। कैसे हो दोस्तों, सुना है इस बार सभी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, फसलें तो सारी अच्छी हुई हैं, पर उनका अच्छा दाम मिले तो मजा आए। दोस्तों, मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिले, पर मैं भी क्या करूँ, बाजार में ही मंदी छाई रहती है, इसीलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कम कीमत पर अनाज और फल सब्जियाँ खरीदने के लिए। पर तुम चिंता मत करो, इस बार सभी को अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, हमें फसलें काटने जाना है, तुमसे बाद में मिलते हैं। भैरव और काली खेतों की तरफ चले जाते हैं और बनिया अपने घर की तरफ जाता है। देखा काली भाई, ये बनिया कैसी मीठी मीठी बातें करके हमें दोस्त कहता है, पर सच कहूँ तो ये दुश्मन बनने लायक भी नहीं है। हाँ, सच में ये बनिया तो हम पर दुश्मनों के जैसे जुल्म करता है। दूसरी तरफ बनिया घर जाता है और अखबार खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिनों बाद भयंकर गर्मी के कारण सूखा पड़ने वाला है। जल्दी से किसानों की सारी फसलें सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और सूखा पड़ने पर उसे ऊंचे दाम में बेचूंगा। बनिया अपनी अलमारी से पैसे निकालता है और किसानों के पास जाता है। सभी किसान अपने अपने खेतों में फसलें काट रहे हैं। सभी किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बनिए की आवाज से सभी किसान अपना अपना काम छोड़कर बनिए की बात सुनने लगते हैं। इस बार सरकार सभी लोगों को मुफ्त में ढेर सारा अनाज बांटने वाली है, जिससे तुम सभी किसानों का अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा। तुम सभी लोग जल्दी से अपना अनाज मुझे बेच डालो। बनिया सभी किसानों से सूखा पड़ने वाली बात को छुपाता है और सरकार द्वारा अनाज बांटे जाने की झूठी खबर फैलाता है, ताकि सभी किसान उसे सस्ते दाम पर अपनी फसलें बेच दें। पर तुम फसलों का क्या दाम लगाओगे? गेहूँ 10 रुपए किलो, चावल 15 रुपए किलो, सब्जियाँ 20 रुपए किलो और फल भी 20 रुपए किलो। ये तो बहुत ही कम दाम है। मैं तो इसी दाम में खरीदूंगा। बेचना है तो बेचो, नहीं तो फिर अपनी फसलें घर पर ही सड़ाओ। फसलें न बिकने और सड़ने के डर से सभी किसान बनिए को सस्ते दामों पर अपनी फसलें बेच देते हैं, जिसे बनिया गांव के पास बनाए हुए अपने एक मॉल में भर लेता है। अखबार में आए समाचार के हिसाब से कुछ दिनों बाद भयानक सूखा पड़ता है और सभी किसानों के खेत बंजर पड़ जाते हैं, जिससे बाजार में फसल सब्जियां और फलों के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं और कुछ ही समय में बाजार में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आएगा मजा, अब मैं सूखे का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। किसान बनिए के मॉल में अनाज और फल सब्जियां खरीदने आते हैं। मुझे 1 किलो चावल चाहिए। पैसे तो लाए हो ना? हाँ, मेरे पास 20 रुपए हैं। मुझे बेवकूफ समझाया क्या, जो इस सूखे के समय में 20 रुपए का चावल बेचूंगा? चावल 100 रुपए किलो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल गए तुमने कुछ दिनों पहले यही चावल हमसे 15 रुपए किलो खरीदा था? उस वक्त सूखा नहीं पड़ा था ना। तो क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमें ही लूटोगे? खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। बनिया अब सूखे का फायदा उठाकर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलने लगा था। जिसके पास पैसे थे वो ऊंचे दाम पर अनाज खरीद रहा था, पर गरीब किसानों पर सूखे का बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे किसानों को भूखा रहना पड़ रहा था। भैरव एक आखिरी उम्मीद लेकर बनिए के पास जाता है। देखो बनिया भाई, हमने अपनी सारी फसलें तुम्हें सस्ते दामों में बेची,
और आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम बुरे वक्त में हमारी मदद नहीं करोगे? निकल जाए यहाँ से, गरीब भिखमंगा कहीं का। बनिया सिर्फ अमीर लोगों को ही ऊंचे दाम पर फल, सब्जियाँ और अनाज बेचने लगता है। पर एक रात अचानक से आसमान में काले बादल छाते हैं और बिजली गरजने लगती है, और बादल फट जाने से किसाना गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसमें बनिए के मॉल में इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज बह जाता है। अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई मेरा अनाज बहने से रोको। बाढ़ के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी जंगल की तरफ से एक मोरनी और उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे पानी में बहते हुए यहाँ तक आते हैं। बनिया उन्हें देखता है, पर वो उन्हें बचाने की बजाय किनारे जाता है। भैरव और काली की नजर मोरनी और उनके बच्चों पर पड़ती है, और वो दोनों उन्हें बचाकर सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है, ये रख लो, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। मोरनी अपने शरीर से एक जादुई रंग बिरंगा पंख निकाल कर भैरव को दे देती है। भैरव घर आकर उस पंख को अपने खेत में गाड़ देता है, जिससे पूरा खेत एक बहुत बड़ा जादुई इंद्रधनुष बन जाता है। अब सभी किसान उस जादुई इंद्रधनुष वाले खेत में फसलें उगाना शुरू करते हैं। हरे हिस्से में सभी हरी सब्जियां उगाते हैं, पीले हिस्से में फल जैसे पपीता, केला और आम उगाते हैं, लाल हिस्से में गेहूं और चावल उगाते हैं, और बाकी के हिस्सों में अलग अलग तरह के अनाज उगाते हैं। कर भला तो हो भला। देखा काली भाई, कल हमने मोरनी और उसके बच्चों की रक्षा की थी, और आज उसकी वजह से हमारा परिवार भूख से बच रहा है। सभी किसान जादुई इंद्रधनुष वाले खेत से फल सब्जियां तोड़कर घर ले जाते हैं और अपने परिवार के साथ भर पेट खाना खाते हैं। दूसरी तरफ बाढ़ में मॉल बह जाने की वजह से बनिया और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है। बनिया किसानों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। दोस्तों, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, कुछ खाने के लिए दे दो। तुझे शर्म नहीं आती हमें दोस्त कहते हुए? याद है तूने कुछ दिन पहले भैरव भाई को भिखमंगा कहकर अपनी दुकान से बाहर निकलवा दिया था, और आज खुद हमारे सामने भीख मांग रहा है। बनिए को अपने किए हुए पर शर्म आती है, और शर्म से उसका चेहरा झुक जाता है। भैरव समझ जाता है कि बनिए को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हैं। ये लो अनाज और कुछ सब्जियां हैं, इन्हें अपने परिवार को खिलाओ। दोस्तों, मैंने हमेशा तुम लोगों से सस्ते दाम पर अनाज खरीदा है और बाजार में उसे महंगे दाम पर बेचा है। अब से मैं हमेशा तुम्हारी फसलों का उचित दाम दूंगा। ठीक है, पर पहले अपने परिवार की भूख तो मिटाओ। बनिया भैरव से अनाज लेकर जाता है और अपने परिवार को खाना खिलाता है। अब से बनिया सभी किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देता है, जिससे सभी किसान खुशी खुशी इंद्रधनुष वाले जादुई खेत में फसलें उगाते हैं, और सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं खुशी खुशी। राजकुमारी रत्ना के बचपन का साथी और उनका प्रिय मित्र मन्नू था। मन्नू एक हाथी होने के बावजूद भी राजकुमारी के साथ उन्हीं के कमरे में रहा करता था। राजकुमारी मन्नू के साथ खेला करती, और मन्नू भी राजकुमारी को बहुत प्यार करता था। मन्नू नन्ही राजकुमारी की सवारी थी। वर्ष बीतते गए और राजकुमारी के संग मन्नू भी बड़ा होता गया। अब मन्नू राजमहल के कमरों में घूम नहीं पाता था। बेटी रत्ना, अब मनु बड़ा हो चुका है और ये राजमहल के कमरे उसके लिए छोटे हैं। हमने उसके लिए अलग घर का निर्माण किया है। ठीक है पिताजी, लेकिन हम मनु से मिलने जाया करेंगे। मनु का घर महल से थोड़ी दूर पे बनाया गया था, एक बड़ी छत, जहां मनु चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो आराम से रह सकता था। मनु अपने नए घर में खुश था, क्योंकि अक्सर राजकुमारी रत्ना उसे मिलने आया करती थी। राजकुमारी को देख मन्नू खुशी से अपनी सूंड हिलाता और उन्हें झुककर प्रणाम भी करता था। राजकुमारी मन्नू का बड़ा लाड़ करती और फिर मन्नू की सवारी भी किया करती। एक वर्ष बाद
राजकुमारी की शादी हो गई और वो मन्नू से आखिरी बार मिलने आई। राजकुमारी रत्ना मन्नू की सूंड को पकड़कर रोने लगी। राजकुमारी को रोता देख मन्नू की भी आंखें भर आईं। पिताजी, अब हम मन्नू से कैसे मिल पाएंगे? पिताजी, आप मेरे मन्नू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और जब आप मिलने आएंगे तो इसे जरूर लाना। हाँ बेटी, हम जरूर आएंगे। राजकुमारी रत्ना रो रो कर वहाँ से चली गईं। मन्नू का महावत उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता और राजा धनंजय भी कभी कभार मन्नू से मिलने आया करते। राजा जी को देख मन्नू उनके सामने अपना सिर झुका देता और फिर राजा जी मन्नू की सूंड सहलाते। बहुत अच्छे महावत, तुमने हमारे मन्नू का बहुत अच्छा ख्याल रखा है और इसे अच्छी आदतें भी सिखाई हैं। शुक्रिया महाराज। राजा जी कुछ देर मन्नू के साथ बिताकर वहां से चले जाया करते। मन्नू के महावत को मन्नू से बहुत लगाव था। वो मन्नू के साथ रहता और उससे बहुत सारी बातें भी किया करता था। मन्नू, तुम्हें हर इंसान की बात माननी चाहिए, वो तुम्हारे शिक्षक हैं, समझे? मन्नू हामी में सूंड हिलाया करता। महाराज फिर से मन्नू से मिलने आए और वो मन्नू के बर्ताव से बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही समय बाद मन्नू के घर के बगल में ही एक काल कोठरी का निर्माण किया गया जहां दो बुरे कैदियों को डाला गया था। मन्नू ने ये सब देखा। काल कोठरी के कैदी हमेशा आपस में लड़ा करते। मैं तुम्हें मार दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर आज के बाद तू मेरे पास भी आया तो मैं तेरी चटनी बना दूंगा। तू क्या मेरी चटनी बनाएगा? मैं तुझे लंगड़ा और लूला बना के छोड़ दूंगा। दोनों कैदी आपस में लड़ा करते और फिर सिपाही उन्हें छुड़ाया करते। ये सब मन्नू गौर से देख रहा था। 10 दिन बीत चुके थे और मन्नू उन कैदियों से उनका बर्ताव सीख रहा था। और आज जब महावत मन्नू के पास आया तो मन्नू ने महावत को पटक दिया। महावत दंग रह गया। सिपाहियों ने जब महावत की जान बचानी चाही तो मन्नू ने उन पर भी हमला कर दिया। महाराज, महाराज, वो हाथी पागल हो गया है। मन्नू और पागल? क्षमा महाराज, मनु पागल हो गया है। उसने अपने महावत पे ही हमला बोल दिया और फिर सिपाहियों को भी उठाकर पटक दिया। लेकिन ये कैसे संभव है? तुम शाही सलाहकार देवराय जी को बुला लाओ, अब वही मनु को ठीक कर सकते हैं। और फिर सिपाहियों की कड़ी मेहनत से मनु को जंजीरों में कैद किया गया। देवराय जी दरबार पहुँचे और राजा जी ने उन्हें मन्नू के बारे में बताया। अब आप ही हमारे मन्नू को ठीक कर सकते हैं। हमसे जितना हो पाएगा हम प्रयत्न करेंगे महाराज। सिपाही देवराय जी को मन्नू के घर की ओर ले जाने लगे और देवराय जी ने मन्नू के घर के बगल में बनी नई काल कोठरी को देखा। मित्र, ये काल कोठरी बिल्कुल चमक रही है, क्या ये नई बनाई गई है? हाँ साहब, इसका निर्माण 1 महीने पहले ही हुआ है और इसमें 10-12 दिनों से 2 कैदियों को भी रखा गया है। देवराय जी मन्नू के घर पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि मन्नू को अपने ही घर में बंदी बनाया गया है। देवराय जी ने महावत से पूछा, क्या मन्नू ने इससे पहले कभी ऐसा बर्ताव किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनु तो बहुत ही शांत हाथी था। बचपन से वो राजकुमारी के कमरे में उनके मित्र की तरह रहा करता था और यहाँ वो कई वर्षों से है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन पता नहीं पिछले 10-12 दिनों में मनु को क्या हो गया, वो अचानक से बिगड़ैल हो गया।
देवराय जी को मन्नू की समस्या समझ आ गई। वो मन्नू के पास गए और उन्होंने अपना सिर झुकाया और ये देख मन्नू ने भी अपना सिर झुका लिया। ये एक अच्छा संकेत था। सिपाहियों, मनु को आजाद करो। सिपाहियों ने जंजीरें खोल दी और अब देवराय जी मन्नू की सूंड सहलाने लगे। मन्नू को ये बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद देवराय जी मन्नू की गोद में बैठकर उससे बातें करने लगे। ये देख सभी सिपाही चौंक गए और अब देवराय जी मन्नू पे सवार होकर उसे घुमाने लगे। ये देख राजा जी भी हैरान रह गए। वो मन्नू के पास गए तो मन्नू ने उन्हें प्रणाम किया। अद्भुत, आपने मनु पे क्या जादू कर दिया, वो तो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। महाराज, मनु को कुछ हुआ ही नहीं था जिसके लिए हमें जादू का इस्तेमाल करना पड़े। हम समझे नहीं। दरअसल मनु एक ऐसा हाथी है जो सभी इंसानों को अपना शिक्षक मानता है और उनकी हर बात माना करता है, और मनु के महावत ने भी उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। लेकिन अचानक इसका बर्ताव क्यों बदल गया था? इसका कारण है वो काल कोठरी जो आपने मनु के घर के बगल में बनवाई है। मनु उन कैदियों को लड़ता देख रहा था और वो उनसे लड़ना सीख रहा था। यही कारण था उसके बिगड़ैल स्वभाव का। क्या हाथियों पे भी इंसानों का इतना असर होता है? हाँ महाराज, एक हाथी एक बच्चे की तरह होता है। वो वही करता है जो वो देखता है। इसका एक उदाहरण तो मनु का ये बिगड़ैल बर्ताव ही था। आप सही हैं प्रधान जी, उस नई काल कोठरी को मनु से दूर पहाड़ी के पास बनवाया जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि उन बुरे कैदियों का थोड़ा सा भी असर हमारे प्यारे मनु पर आए। जल्द ही काल कोठरी को पहाड़ी के पास बनवाया गया और अब मनु देवराय जी की अच्छी संगत में रहकर और भी ज्यादा निर्मल हो गया था। इसलिए कहते हैं कि बुरी संगत का बुरा प्रभाव ही होता है और अच्छी संगत का अच्छा प्रभाव। विकास नाम का एक गरीब मजदूर था जो सेठ भीमसेन के यहाँ हमाली का काम करता था। विकास सुबह जल्दी काम पर आया करता था और शाम के देर तक हमाली और अन्य काम किया करता था। इतनी कड़ी मेहनत के बाद विकास को 4 सिक्के मजदूरी में मिला करते थे। एक दिन गर्मी बहुत थी और पूरा दिन बोरियां ढोकर विकास थक गया था। वो सेठ जी से अपनी मजदूरी लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे एक बहुत ही मधुर सुगंध आई। उसने सुगंध की दिशा में देखा तो उसे एक हलवाई दिखा जो गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा था। इतनी मीठी खुशबू सूंघ विकास का मन मचल गया। मुझे ये जलेबियां खानी हैं। लेकिन जब उसने अपनी जेबें टटोली तो उसे सिर्फ 4 सिक्के दिखे। अरे नहीं, अगर मैं ये जलेबी ले लूं तो आज मेरे बीवी बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विकास उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ समय वहीं खड़े रहकर वो मीठी सुगंध सूंघने की सोची। काफी वक्त तक विकास वहीं खड़े रहकर वो खुशबू सूंघ रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हलवाई को ये देख बहुत गुस्सा आया। उसे विकास को मिलने वाली खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी
हलवाई तमतमाता हुआ विकास के पास गया। पैसे निकाल। लेकिन भाई, मैंने तो कोई मिठाई खरीदी ही नहीं, तो किस बात के पैसे? पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े होकर मेरी मिठाइयों की मीठी खुशबू सूंघ रहा है, उसके पैसे? भाई ये गलत है, भला कहीं खुशबू सूंघने के भी पैसे लगते हैं? तू खुशबू सूंघ कर मन ही मन खुश हो रहा था, इसके पैसे? लेकिन हलवाई भड़क गया और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, रुको रुको, मैं पैसे देता हूँ। हलवाई थोड़ा शांत हुआ। निकालो सारे पैसे। विकास ने अपनी जेब में हाथ डालकर चारों सिक्के निकाल लिए। उसने सोचा कि अब उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसे एक युक्ति सूझी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। तू पैसे देता है या तुझे सबक सिखाऊं? एक मिनट भाई। विकास ने चारों सिक्कों को अपनी एक हथेली में रख लिया और दूसरी हथेली से ढककर उन्हें खनखनाने लगा। वो काफी समय तक सिक्कों को खनखना रहा था। ये देख हलवाई भड़क गया। ये क्या कर रहे हो? जैसे मैंने सूंघ कर तुम्हारी मिठाइयों से संतुष्टि ले ली, वैसे ही तुम भी इन सिक्कों की खनक सुनकर संतुष्टि ले लो कि ये तुम्हें मिल गए, समझे? हलवाई की तो हवाइयां ही उड़ गईं और विकास वहां से मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया है कि हमें विकास की तरह ही संकट के समय में भी सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए। भीमपुर में विष्णु मिठाई वाले की दुकान बहुत ही मशहूर थी। विष्णु मिठाई वाले की मिठाइयों के चर्चे दूर दूर तक होते थे। विष्णु और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाया करते थे, जिसकी खुशबू गांव भर फैल जाती थी और ग्राहक खुशबू से खींचे चले आते थे। वैसे तो विष्णु की दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन विष्णु कभी अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने का लालच था। एक दिन की बात है, विष्णु इसी सोच में डूबा था। मैं क्या करूं जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो? क्या मुझे मिलावट करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ग्राहक भी टूट जाएंगे, तो मैं क्या करूं? तभी विष्णु की पत्नी सुरेखा वहाँ आई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वही तो हमेशा सोचता हूँ, ज्यादा पैसे कमाने का उपाय। आप और आपकी सोच मेरी तो समझ में नहीं आती। खाना रखा है, खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। सुरेखा वहाँ से चली गई और विष्णु फिर से अपनी सोच में डूब गया। मैं क्या करूं? तभी विष्णु का ध्यान उसके तराजू पर पड़ा और उसे कुछ सूझा। अगले दिन विष्णु शहर आया और उसने एक दुकान से एक गोल चुंबक खरीद लिया। विष्णु ने वो चुंबक तराजू के नीचे लगाया। अब मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होगा और मेरे ग्राहक भी नहीं टूटेंगे।
तभी उसका एक ग्राहक आया। भैया एक किलो जलेबी तो दो। विष्णु ने ग्राहक को जलेबी दी और पैसे देख वो बहुत खुश हुआ और तराजू में चिपके हुए चुंबक की वजह से विष्णु को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। अपना मुनाफा देख, अरे भाग्यवान, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और वो क्यों? अब मेरा मुनाफा जो बढ़ गया है। कैसे जी? ये देखो। पर ये तो धोखाधड़ी है ना? धोखा वोखा कुछ नहीं, सभी करते हैं। अच्छा मुनाफा भी तो हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये गलत है। विष्णु ने सुरेखा की एक ना मानी। एक दिन की बात है जब बबलू विष्णु मिठाई वाले की दुकान पर जलेबी लेने आया। अब भाई 2 किलो जलेबी दे दो। अभी लो भाई। विष्णु ने 2 किलो जलेबी तोल दी और जब बबलू ने जलेबी ली तो उसे कुछ खटका। भैया ये 2 किलो तो लग नहीं रहा है, इसे वापस तोलो। विष्णु डर गया। अब तुम अकेले ग्राहक नहीं हो, मुझे दूसरों को भी मिठाई देनी है। लेनी है तो लो, वरना चलते बनो। बबलू को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। बबलू एक दूसरे दुकान पर गया और वहाँ उसने जलेबी वापस तोली तो वो सिर्फ 1.5 किलो ही थी। बबलू एक तराजू लेकर विष्णु मिठाई वाले की दुकान के बाहर पहुँचा। सुनो सुनो सुनो, पेश है जादुई तराजू, जो भी तौलो कम ही निकलेगा। आइए आइए आइए। विष्णु ये देख डर गया लेकिन फिर भी वो बबलू को डांटने पहुंचा। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने नहीं आपने लगा रखा है, भोले भाले गांव वालों को लूटते हो। बबलू ने विष्णु का तराजू उठा लिया। ये देखिए ये चुंबक, ये विष्णु हम सबको लूट रहा है। ग्राहक भड़क गए और उन्होंने विष्णु की अच्छे से पिटाई की। इसीलिए कहते हैं ईमानदारी की कमाई ही असली कमाई होती है और बेईमानी सिर्फ बुरा नतीजा ही देती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।